अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूँ शहजाद इकबाल। कराची में पिछले हफ्ते दो बड़े वाकयात पेश आए, एक तो अमजद साबरी साहब को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और दूसरा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे को किडनैप किया गया। इन दोनों वारदातों के बाद सारा फोकस इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस वक्त कराची की तरफ है। कल एक बड़ी बैठक थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, चीफ मिनिस्टर, कोर कमांडर सिंध, ये तमाम लोग कराची जो है ये मौजूद थे, और इन अहम मीटिंग में अहम फैसले किए गए हैं। कहा यह गया है कि कराची की ज़िंदगी जो है उसको मामूल पे लेकर आएंगे, और जो तमाम नेटवर्क है और सहूलतकार हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी रहेगा। चीफ स्टाफ ने कल अपने बयान में ये भी कहा है कि दहशतगर्दी अपने बका के लिए अब आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जब सफूरा का वाकया हुआ था, जब सबीन महमूद को कराची में कत्ल किया गया, जब चीफ जस्टिस के बेटे को किडनैप किया गया, और जब अमजद साबरी का वाकया हुआ, तो उस वक्त यही कहा गया कि जो आसान अहदाफ है उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इनकी ज़िंदगी भी अहम है, इनकी ज़िंदगी को रियासत, हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगी आगे जाकर, क्योंकि ये बातें बहुत मरतबा हो चुकी हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट जो है ऑपरेशन होगा, हर दहशतगर्द के खिलाफ, हर क्रिमिनल के खिलाफ ये ऑपरेशन होगा, और किसी किस्म के सियासी दबाव को भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये बातें तो हो चुकी हैं, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होगी कि ये जो आसान अहदाफ होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जब इनको निशाना बनाया जाता है तो खबर भी बड़ी बनती है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर भी बड़ी खबर बनती है, और यकीनन लोगों को जो है नफसियाती एक धचका पहुंचता है। तो क्या अब हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लानिंग होगी कि इन आसान अहदाफ जिनको अब दहशतगर्द बना रहे उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आज चौधरी निसार साहब ने भी ब्रीफिंग दी है, कल जो मीटिंग्स हुई उस हवाले से कुछ अहम बातें उन्होंने की, क्या उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें नफसियाती जंग जीतना होगी। जब भी ये बुजदिलाना वार करेंगे, जिस तरह कराची में दो वाकयात हुए हैं, इससे कौम मायूस नहीं होगी। दो वाकयात जो हुए हैं ये चैलेंज है हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी। इंशाल्लाह अब अमजद साबरी के कातलों तक भी पहुंचेंगे, और चीफ जस्टिस साहब के बेटे तक भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे और उसे बाजियाब कराएंगे। पुलिस की जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग बड़े मौसर अंदाज से कराची में और बहुत जल्दी नहीं होगी, जो सम्राट हैं कराची ऑपरेशन के वो परमानेंट नहीं होंगे। 20,000 की नई रिक्रूटमेंट होगी और 2,000 एक्स फौजी, एक्स सर्विसमैन वो भर्ती होंगे। कराची को भी एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरों से लेस किया जाए। चौधरी निसार साहब ने कहा यह नफसियाती जंग भी हमें जीतनी होगी, 20,000 पुलिस मजीद भर्ती की जाएगी सिंध में, जिनमें 2,000 एक्स आर्मी ऑफिसर भी होंगे। एक तो अहम बात यह है कि ठीक है, कल चौधरी निसार साहब और वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी थी, जो अहम मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन ये फैसले क्या सिंध हुकूमत ने नहीं करने, क्या इन पर ब्रीफिंग सिंध हुकूमत को नहीं देनी चाहिए कि कितने पुलिस एहलकार जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे और उसमें से आर्मी ऑफिसर कितने होंगे, और अब तक क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये ज़र्बे अज़ब ऑपरेशन भी जारी है, और इसका जो कराची का ऑपरेशन है वो उससे पहले शुरू हो चुका है। तो अगर इस अहम ऑपरेशन में नफरी की ज़रूरत है, तो अब तक इन तकरीबन 2.5-3 सालों में सिंध हुकूमत ने कितनी नफरी बढ़ाई, जरा इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली रजा आबदी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली, MQM से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, PMLN से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमर जमान कायरा साहब भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, इमरान इस्माइल साहब भी प्रोग्राम में आगे जाके हमें ज्वाइन करेंगे। तलाल साहब, ये आज जो चौधरी निसार साहब ने बात की है, बात बड़ी अहम है और कराची के हवाले से ज़रूरी भी है कि पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और उसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी ऑफिसर्स, एक्स आर्मी ऑफिसर्स को भी जो है पुलिस में भर्ती किया जाएगा, लेकिन ये फैसले तो सिंध हुकूमत ने कर रहे हैं और इनकी ब्रीफिंग भी सिंध हुकूमत को देनी चाहिए, ये वफाक की जानिब से क्यों इस पर बात की जा रही है? बात की जाने पर हर्ज नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत क्यों पीछे रह गई इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए सिंध हुकूमत का जवाब तो जो है वो सिंध हुकूमत देगी कि ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं की, या वो वफाक क्यों कर रहा है। वफाक इसलिए कर रहा है कि वफाक की कोऑर्डिनेशन जो है वो अपेक्स कमेटी के हवाले से, वफाक की कोऑर्डिनेशन कराची ऑपरेशन के हवाले से, वफाक की कोऑर्डिनेशन उसके अलावा रेंजर्स का वहाँ जो रोल है उसके हवाले से, और वफाकी जो एजेंसीज़ हैं उसके हवाले से हमेशा रहता है। और वज़ीर दाखला कल क्योंकि वहाँ से तशरीफ़ लेकर गए थे कराची, और आज उन्होंने ब्रीफ़ किया है, जो जो बातें हुई हैं
ये बात मैं आज कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक क्राइम बढ़ने की वजह जो है वो पुलिस में सियासी इन्फ्लुएंस, सियासी भर्तियां मेरिट से हटकर, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो ना होना है। मैं आप कहेंगे कि बार बार शायद मैं पंजाब का रहने वाला हूं या नून लीग की हुकूमत है, शायद मैं बार बार हम पंजाब पुलिस की बात करते हैं, आप हमेशा पंजाब पुलिस को दिखाते हैं, वो गुल्लू बट से भी तशबीह देते हैं और भी निकायस निकालते हैं, बिल्कुल उनमें नुक्स है, मगर मैं चार चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि पिछले सात साल में आठ साल में पंजाब पुलिस ने की। नंबर वन, एहलकारों की मेरिट पर भर्ती कोई एक सपाई से लेकर ऊपर अफसरान तक कोई नहीं कह सकता कि मेरिट से आकर भर्ती हुआ हो। उनकी कैपेसिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसके बाद कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, ये अभी आपके सामने आपने ये चीजें शायद देखी नहीं है, पाकिस्तान में पहली दफा पंजाब पुलिस ने क्रिमिनल्स का इन्वेस्टिगेशन का एफआईआर का सिस्टम कंप्यूटराइज किया और अपने तमाम एहलकारों का। और मैं आपको दावत दूंगा और अपने सिंध वाले भाइयों को भी दावत दूंगा और केपीके के जो चैंपियंस बनते हैं पुलिस रिफॉर्म्स के, मैं उनको भी दावत दूंगा। अच्छा, तलाल साहब, पाकिस्तान हमारा है, आए हमारा सिस्टम देखें। तलाल साहब, मैं आपके सिस्टम पे बात करने से पहले जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक है, कराची में पुलिस में सियासी भर्तियां हुई हैं, कैपेसिटी इनकी कम है, मेरिट बेस्ड भर्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन पंजाब पुलिस जिसकी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और ठीक है आप लोगों ने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन जब छोटू गैंग का वाकया हुआ तो एक्सपोज होकर रह गए आप लोग उस जगह पे भी नहीं जा सके और वहां पे भी आर्मी को कॉल करना पड़ा। तो अगर एक शहरी इलाके में, एक पंजाब के एक जिले में वहां पे आर्मी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये तो हमें ना बताए ना कि पंजाब पुलिस कितनी जबरदस्त हो गई और दूसरे सूबों को भी उनसे सबक सीखना पड़ेगा। देखिए शहजाद साहब, जब ये फाटा में ऑपरेशन हुआ और आर्मी ने फजाइया को बुलाया, तो क्या आप कहते हैं कि आर्मी नाकाम हो गई क्योंकि फजाइया के तैयारों को बुला लिया गया? जहां पर जिस फाटा में कोई पुलिस का निजाम तो नहीं है ना, आप पंजाब के एक जिले को फाटा से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर मुझे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है तलाल साहब इस पे। नहीं, मुझे 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 जवाब देने दे मुझे। देखे, जहां टैंक चाहिए होगा, जहां बख्तरबंद गाड़ी चाहिए वो मेरे भाई वो फौज के पास है, जहां हेलीकॉप्टर चाहिए होगा वो फौज के पास है, गनशिप हेलीकॉप्टर। और मैंने आपसे अर्ज की है कि आप काइंडली, ये इतने प्रोग्राम करते हैं, किसी दिन सिर्फ पंजाब पुलिस ने जो आठ साल में लिया है ये पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का एसेट है, ये मैं छोड़ दें नून लीग को, छोड़ दें हमें पॉलिटिकल माइलेज ना दे, मगर हमने बहुत कुछ डेवलप किया है जो मैंने आपसे कहा कि आपने डेवलप किया होगा, लेकिन देखें हम तो उसकी बात करेंगे जो हमें नजर आएगा। जब छोटू गैंग का ऑपरेशन था तो हमने देखा पुलिस की वहां पर बड़ी नाकामी थी, बेशक उन्होंने अपनी जानों का नजराना भी दिया है, लेकिन वहां कैपेसिटी नहीं नजर आई और आप खुद कह रहे हो उस कैपेसिटी कम थी इसीलिए दूसरे फोर्सेस को इस्तेमाल करना पड़ा। मैं जरा आगे बढ़ाऊं और अली अब्दी साहब को भी शहजाद साहब करते हैं सर इस पे जरा डिबेट करते हैं। एक जवाब देखें शहजाद साहब, नहीं आपने सवाल कर दिया ना शहजाद साहब, पाकिस्तान का 62% आबादी और सबसे बड़ा ये सूबा है, उसके अंदर कितनी दफा रेंजर्स को, कितनी दफा आर्मी को कॉल किया गया और कितनी पुलिस ने खुद काम किया, जरा कंपैरिजन को हमको बता दे। सिर्फ एक वाकये को सामने रखकर पंजाब पुलिस एक वाकये नहीं है, लाहौर ब्लास्ट के बाद भी हमने देखा था कि रेंजर्स और फौज ने कार्रवाइयां की थी ये ना करे और बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था। मैं थोड़ा बहस को आगे बढ़ाता हूं फिर आता हूं इस पे जरा। अली रजा साहब, अली आपकी प्रॉब्लम यही है ना। नहीं, अली रजा अब्दी साहब को भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं मैं इस पे। अली रजा अब्दी साहब, इस बात में तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सिंध में सियासी भर्तियां हुई हैं, पुलिस में मेरिट बेस्ड भर्तियां नहीं हुई हैं, उसको आप दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तलाल साहब कह रहे हैं कि आप पंजाब का मॉडल जो है वो देखें और पंजाब का मॉडल स्टडी करना चाहिए दूसरे सूबों को, आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए जी, सिंध में शहजाद जो अभी जैसे आपने चौधरी निसार साहब का बयान चलाया था कि अब जो 18,000 या 20,000 भर्तियां होनी है, इसमें भी कमेंट करते हैं, ये क्या सूबाई हुकूमत को नहीं करना चाहिए? ये सूबाई हुकूमत ने ऑलरेडी इस बजट में उसकी एलोकेशन रख चुकी है, ये बिला वजह में निसार साहब अपनी तरफ से क्रेडिट लेना चाह रहे हैं उसका। लेकिन सिंध हुकूमत की अभी पिछले दिनों ही काफ़ी एडवर्टीजमेंट चली थी जिसमें न्यू हायरिंग्स हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हायरिंग्स होंगी,
पुलिस की, क्या ये वही 4 लाख रुपए दे के फिर उसमें हायर होएगा एक पुलिस ऑफिसर, या फिर क्या उसमें कोटा सिस्टम भी लागू होगा कि कराची का शहरी जो कराची से पला बड़ा रहने वाला यहाँ का वो भी इस पे नौकरी पे अप्लाई कर सकेगा, या फिर इंटीरियर से या मुल्क के दीगर हिस्सों से कुछ लोग आएंगे, वो लोग जो कि स्टेक होल्डर्स भी नहीं होते शहर के, जिनको मोहल्ले का गली का भी नहीं पता होता, वो फिर आके हमारे पास पुलिसिंग करेंगे। ये बेसिक्स हैं जो कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कराची में बेहद ज़रूरत है इनकी, कि आप जब अपने जैसे US में होता है, बाकी जगहों पे होता है कि काउंटी सिस्टम होता है, शेरिफ सिस्टम होता है, उसमें उस इलाके का रिहायशी हमेशा आप जो लोकल पुलिसिंग होती है तो वही अपने इलाके को ज़्यादा बेहतर जानता है, लोगों को जानता है, लोग उसे जानते हैं, फिर वो जाके उसको लॉ एनफोर्समेंट को तलाल साहब ने जैसे जिक्र किया कि जी वहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है, ना वहाँ पे कलादम तंजीमें हैं, ना वहाँ पे इस तरह के लोगों को परवरिश दी जाती है या बढ़ाया जाता है। आपने ये देख लिया कि जो गुलशन में, उधर गुलशन पार्क में जो बॉम्ब अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स ने जाना चाहा कि हम ऑपरेशन करना चाहेंगे पूरे पंजाब में, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उस पर रेजिस्टेंस शो की और कहा कि जी हम अपने CTD के तहत ऑपरेशन करते हैं, और फिर कुछ करके भी दिखाया इन्होंने। और फिर एक दफ़ा ये भी बयान आया कि पंजाब से अलकायदा टोटल एलिमिनेट हो गई है, तालिबान टोटल एलिमिनेट हो गई है, लश्कर जंगवी टोटल एलिमिनेट हो गई। अगर एलिमिनेट हो गई तो वो गई कहाँ? क्या वहाँ से वो पुश करके कराची भेज दी गई, या फिर वापस भाटा भेज दिया गया उन लोगों को, या फिर उन लोगों के वहाँ पे एमनेस्टी मिल गई? देखिए, कैपेसिटी का मसला तो अली रजा आदि साहब एक दो दिन में दुरुस्त या एक दो साल में नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में मेरिट बेस्ड भर्तियां होती हैं, ट्रेनिंग और कैपेसिटी पे मेहनत होती है, पैसा खर्च किया जाता है, तो इस बात से इत्तेफाक करते हैं इतना 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 जी बिल्कुल, मैं ये बेहतर है, ये जरूर है कि बाकी सारे सूबों में से कुछ बेहतरी पंजाब की पुलिसिंग में और रिफॉर्म्स के हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, और उससे पहले परवेज इलाही साहब ने भी की थी वहाँ पे। लेकिन अभी भी अगर आप देखिए तो पुलिसिंग का इशू, अभी इन्होंने अपने एक IG को, SP को सस्पेंड किया है जो कि इसका इस्लामाबाद का था, तो उसमें भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि जिसको आप कराची की पुलिस से या बलूचिस्तान या KP की पुलिस से चाबी दे सकते हैं। रिफॉर्म्स कराची के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो जो एडिशनल कैपेसिटी, यहाँ पे 20,000 से कुछ काम नहीं चलेगा शहजाद, ये तकरीबन 3.25 करोड़ आबादी का शहर है, 30-35,000 यहाँ पे सिर्फ पुलिस ये जब हमने कराची का ऑपरेशन शुरू किया और इससे पहले भी 2009-10 से हम देख रहे हैं कराची के हालात खराब है, तो नफरी उस वक्त क्यों नहीं बढ़ाई गई? एक अरसे से सुनते आ रहे 30-35,000 की नफरी है, अब कोई बड़ा वाकया हो जाता है, अमजद साबरी साहब का वाकया हुआ, मीडिया ने उसको बहुत कवर किया क्योंकि एक मशहूर शख्सियत थी, तब हमें ख्याल आता है कि यार नफरी कम है, फिर शायद हम भूल जाएंगे जब तक अगला कोई बड़ा वाकया नहीं होता। पिछले दिनों कुछ नफरी बड़ी थी लेकिन वो सारी की सारी प्राइवेट सिक्योरिटी पे लग गई, और SSU जिसे आप कहते हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है, वो खास तौर पे खानदान की सिक्योरिटी पे उसमें बेशुमार भर्तियां हुई हैं, बेशुमार इक्विपमेंट्स आई हैं, बेशुमार उनके पास व्हीकल्स आई हैं, बेहतरीन उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, लेकिन वो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो बादशाहत के लिए। इसी तरह अब जो 20,000 अगर हायर किए जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत कम है, इसमें देखिए जब तक आप शहर का लड़का या लड़की उसको पुलिस फोर्स में नहीं लेंगे पढ़े लिखे को, और लेने के बाद उसको उसके हिसाब से ट्रेनिंग, और इस इदारे को आप एक ऐसा मिसाली इदारा नहीं बताएंगे कि लोग जाना चाहें इसमें, नौकरी लेना चाहें, जैसे किसी कॉर्पोरेट में या फिर किसी बिजनेस में या किसी एक बड़ी मल्टीनेशनल में लोग तवज्जा देते हैं, उस वक्त तक ये रिफॉर्म आप नहीं ला सकेंगे। मैं एक ब्रेक लूंगा और इससे जाने से पहले बता दूंगा, पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत है सिंध में, उनकी भी जरा नींदें उड़ गई हैं। आज हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो है एक सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग की, जिसमें वो बड़ा भरम भी नजर आए, और उन्होंने ये सवाल किए कि चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का बेटा किडनैप हो जाता है और अब तक कोई सुराग नहीं लगा, इसकी वजह क्या है? और आज एक और अहम मीटिंग भी है जो कि इस वक्त जारी है, सिंध कैबिनेट का इजलास है सिक्योरिटी के हवाले से, अब देख रहे हैं कि वहाँ पे भी क्या अहम फैसले किए जाते हैं। कराची का मामला कोई आज का नहीं है, हर मरतबा ये कहा जाता है कि अब जो है बिला तफरीक बिला इम्तियाज जो है कार्रवाई होगी, और साथ साथ में सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, और खासतौर पर ये जो सॉफ्ट टारगेट वाला इशू है इनको कैसे प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता एक और वाकया अगर हो जाता है तो फिर मीडिया पे कवरेज मिलेगी, फिर बातें होंगी, और फिर लोगों का मोराल गिरेगा, नफसियाती जो एक झटका उनको लगता है जब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात भी करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। कराची के ऑपरेशन में मजीद तेजी आएगी। इंटेलिजेंस की अगर सपोर्ट चाहिए तो वो भी फराहम करने के लिए अब कह दिया गया है। तलाल चौधरी साहब, मुझे ये बात बताइए, बात तो ठीक है कि हमने कराची में हालात बेहतर होते हुए देखे हैं, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ज़रबे अज़ब के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही थी उसमें कमी ज़रूर नज़र आई है। कमर तोड़ दिए कहा जाता है दहशतगर्दों की, उनको तनाह कर दिया, इसीलिए आसान अहदाफ को अब निशाना बना रहे हैं। लेकिन सर, ये ज़िंदगियाँ भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, और अगर इनको निशाना बनाने से वो अपना हदफ अचीव कर लेते हैं, खबर बड़ी बनती है, इंटरनेशनल मीडिया में बात होती है, और फिर लोगों का एक ऑब्वियसली उनको एक साइकोलॉजिकली ये लगता है कि शायद हालात आज भी ख़राब है, तो इस पर कैसे अब कंट्रोल किया जा सकता है? इसको भी तो बचाना स्टेट और हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। शहजाद साहब, एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो इस तरह के किए जिससे डिपार्टमेंट्स की जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ आप एक प्रोग्राम जो कि नादरा और रेवेन्यू रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के बाद सबसे बड़ा काम हुआ है, वो पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड को जो कंप्यूटराइज किया गया, आप काइंडली, बेशक उसमें नून लीग का कोई ना हो, सिर्फ अपने तौर पर वो ज़रूर करें या ज़रूर देखें, आपको पाकिस्तान में बाकी दूसरी जगह बेहतरी लाने में बड़ी लोगों को मदद मिलेगी, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अब आप ये जो फरमा रहे हैं कराची ऑपरेशन के बारे में, इसकी मेरी गुजारिश ये है, देखे इसमें ये वाकयात नहीं होने चाहिए थे। ये ऑपरेशन जो है ये हर एक की कोशिश है कि जल्द अज जल्द ख़त्म हो, मगर ये जो इसमें बुनियादी चीज़ें हैं ये आखिरकार बोझ जो है सूबाई हुकूमत को उठाना पड़ेगा। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, अपने इंटेलिजेंस के अदारों की बेहतरी हो, इसके अलावा बाकी वो तमाम चीज़ें जो कि अमनो अमान को बेहतर करें, ये आखिरकार सूबे को करना पड़ेगा। वफाक कितनी देर कभी रेंजर से कभी दूसरी तरह से, तो आपके ख्याल में क्या तलाशा भी हो नहीं रहा है? क्या आपके ख्याल में हो नहीं रहा है जिस तेजी से ये होना चाहिए था? देखे सबसे देखे आज बहुत सारे आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको वजीर दाखला ने दिए, बहुत सारी चीजों में बेहतरी आई है, मगर बेहतरी को कायम रखने के लिए सूबाई हुकूमत को, सूबाई अदारों को, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी भर्तियां हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वो तमाम चीजें जो हैं वो ज्यादा तेजी से होनी चाहिए थी। और मैं ये अली रजा आबदी साहब से बिल्कुल इस बात पे हूं कि ये जितनी जल्द अज जल्द भर्तियां करें, ये सूबाई हुकूमत इसका क्रेडिट भी ले, लेकिन जो मर्जी सारे का सारा कराची ऑपरेशन का क्रेडिट भी ले, लेकिन अपनी सूबाई फोर्स को जल्द से जल्द इतना क्विक करे कि कराची के मामलात को खुद संभाले। जब तक ये खुद अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, ये खुद अपने पांव पर खड़े होने के काबिल नहीं बनाएंगे अपनी फोर्स को, कराची का मसला जो है वो इसी तरह ऑपरेशन दर ऑपरेशन से चलाना पड़ेगा। ठीक है, कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। कायरा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैंने कहा भी कि हमने हालात कराची में और पूरे मुल्क में बेहतर होते हुए देखे हैं, लेकिन अब जो ये कल आर्मी चीफ का भी बयान था, आज चौधरी निसार साहब ने भी इस पर बात की कि अब आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, और जाहिर सी बात है इनकी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा वाकया होता है जैसे अहमद साबरी साहब का हुआ, एक नफसियाती सेटबैक होता है आवाम को कि हम तो समझ रहे थे हालात बेहतर हो रहे हैं, तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए क्या मजीद किया जा सकता है? ऑपरेशन में किस किस्म की तब्दीली लेकर आए, प्लानिंग या स्ट्रेटजी को किस तरीके से तब्दील करें कि इन जानों का भी ज़ाया ना हो? देखिए, इस वक्त कराची के एक फिर बड़े तवील अरसे से वहां पे सूरत हाल बड़ी खराब रही, लेकिन पिछले डेढ़ दो साल में वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की जो है सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने, रेंजर्स ने, इन सब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मेहनत की है, इनके लोग शहीद हुए हैं, और इन्होंने इस सारे ऑपरेशन में बहुत बेहतरियां भी की हैं। कराची के हालात में सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग पकड़े गए हैं, अब क्राइम रेट काफी बेहतर हुआ है। हाँ, ये जो क्राइम होता है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती कि एक दफा ये ऊपर चढ़ना शुरू होता है, ग्राफ तो ऊपर चढ़ता चला जाता है और फिर डिक्लाइन होता है, तो डिक्लाइन में जीरो पे आ जाता है। बेसिकली इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वहां मेजर गैप, मेजर ग्रुप्स हैं, उनके तोड़ दिए गए हैं नेटवर्क काफी बड़े, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा है, और इस पूरी ये जो क्राइम है इसकी पूरी एक हिस्ट्री बनी हुई है कराची के अंदर, और इसके साथ सैकड़ों हजारों लोगों का एक रोजगार व्यवस्था हो गया। लेकिन कायरा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है और बेहतरी आई है, आज भी अगर आप रेंजर्स को कराची से भेज दें वापस,
तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे हमारे ख्याल में, तो एक्सपोज हो जाएगी आपकी नफरी इतनी नहीं है। आपको लगता है कि पिछले 2.5 साल में अगर ये ऑपरेशन शुरू हुआ है कराची का, तो नफरी इतनी तेजी से बढ़ाई जितनी होनी चाहिए थी? देखिए, वहाँ पे एनटीडीसी बना है, जो कलकत्ता का सीटीडीसी बना है, बाकी इधारे उन्होंने बेहतर किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज है, पुलिस खाली इवन अमेरिका में, बरतानिया में भी अगर नॉर्मल पुलिस वाले हैं उनको सूरत हाल हैंडल नहीं करते, तो वहां भी FBI इन्वॉल्व होती है, वहां भी फेडरल फोर्सेज को तलब कर लिया जाता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारी पुलिस को बहुत बेहतर करने की जरूरत है, पर एक बात याद रखिए, पंजाब की पुलिस बाकी 3 सूबों से और दोनों हमारे जो वफाकी यूनिट्स है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन सबसे बेहतर है। लेकिन छोटू गैंग एक छोटा सारा गैंग था, एक देहाती एक इलाके में, एक डेल्टा के ऊपर जो जहां पे दोनों तरफ दरिया है, और उसको ठीक करने, उसको खत्म करने के लिए या उसके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए हमें फौज तलब करनी पड़ी थी। तो ये कहा जाए कि जी पुलिस की कैपेसिटी नहीं रही, हाँ पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है, इन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्ड किया है, इदारों को बेहतर किया है, कराची में चैलेंज यहां से कई गुना बड़ा है, और ये पिछले 2-4 साल का नहीं है, बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, अपने रैंक्स को, वहां की पुलिस फोर्स को ठीक करने की जरूरत है, उसमें मदाखरत के मत। एक और इशू भी है कायरे साहब, वो आपकी मौजूदगी में डिस्कस हो जाए, अली रजा आदिल साहब भी हमारे साथ हैं। अली साहब, एक आपको सियासी जो पार्टीज हैं उनमें भी इत्तफाक राय होना चाहिए इस ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन आपकी जमात की तरफ से अभी कहा जाता है कि ऑपरेशन सिर्फ MQM के खिलाफ है। नदीम नुसरत साहब के आप ट्वीट निकाल के देखें, अभी लियाकताबाद में जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा ये MQM के वर्कर हैं और पाक से जमीन पार्टी के कहने पे उनको गिरफ्तार किया है, तो लिहाजा इनका नाम आप रेंजर्स कौमी पार्टी रख दें। फिर आज भी जो आमिर लियाकत साहब का खाली शो कैमरा बैन कर देता है, तो उस पर कहा जाता है देखें ये ऑपरेशन MQM के खिलाफ हो रहा है, हम नहीं कहते थे। मतलब अगर ये MQM की तरफ से कहा जाएगा, कराची की सबसे बड़ी जमात की तरफ से, तो ऑपरेशन तो हो गया मुतनाज़ा फिर। शहजाद, ये तो अभी के एग्जांपल्स हैं, लेकिन इससे पहले बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो कि वाजे कर रहे थे कि ऑपरेशन मुत्तहदा के ख़िलाफ़ हुआ है और होता रहा है। मैं अपने रेस्टोरेंट की भी बात कर लूँगा कि अगर वहाँ पे भी एक तरफ इनका रेंजर्स का छापा पड़ा गया, मारा गया था, उसके बाद एक टारगेट किलर पकड़ा गया था, और वो टारगेट किलर के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता, वो गया कहाँ उसके बाद, तो वो भी एक मैसेज था। और इसके बेशुमार इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं कराची में जिस पे ये चाहता है, लेकिन ये मैं बात बिल्कुल क्लियर बता दूं कि मुत्तहदा ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, और ये मेरे ख्याल में हर प्रोग्राम में भी आपको आप वाजे भी कराते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं हो रहा, हमारे खिलाफ। हाँ, क्रिमिनल्स के, जिसी वजह से, क्योंकि अगर आप कभी स्ट्रीट क्राइम में उसका रेशियो निकाल लें कराची में, तो वो आपको नजर आ जाएगा कि स्ट्रीट क्राइम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। बेशक ये सारे 2.5 साल 3 साल का ऑपरेशन चला है, और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, हमें तो अमजद साबरी और इनका ओवेश शाह का याद आ रहा है, लेकिन बीच में एक अहमदी डॉक्टर भी हैं, वो भी जिस दिन अवेशा पकड़े गए किडनैप हुए थे, खुर्रम जकी है जो एक अहमदी डॉक्टर है वो मारे गए, फिर कल परसों JUP के जो अहम रहनुमा है कराची के, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई, तो ये कंटिन्यूटी में चलता हुआ आ रहा है। समीन महमूद का हुआ, सफूरा का इंसिडेंट हुआ, चल रहा है उसमें आपका वोट इस ऑपरेशन के हक में नहीं है, फिर हमारा, आप समझते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये हमारे खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें जी, ऑपरेशन हमने कहा था कराची में ऑपरेशन शुरू करने के लिए, और किसी ने नहीं कहा था, हमने डिमांड किया था क्योंकि कराची में पुलिसिंग कोलैप्स कर चुकी थी 2013 में, और उसके बाद ये जो लियारी गैंग वॉर, जिसको गवर्नमेंट की पेट्रनेज थी, उसकी वजह से पूरा शहर एक बर्बाद हो चुका था। 2008 में जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आए थे, होम मिनिस्टर थे, उस वक्त बाकायदगी से इस शहर को उसका अमन ख़राब किया गया। 2010 तक जब वो चले गए, उसके बाद वो एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी, वो क्यों नहीं याद करते? अच्छा, ये सारी चीज़ें भी तो याद करें कि 2008 में बाकायदगी से, जब 2007-08 तक पुरानी हुकूमत थी तो उस वक्त नहीं था इस तरह, लेकिन उसके बाद इस शहर को लेके गया जाया गया, इसको धकेला गया इस तरफ के, इस तरह के क्राइसिस क्रिएट। दोनों मेहमानों को जरा इस पर कॉमेंट ले लूँ, पहले इमरान इस्माइल साहब आप कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, जरा आप फरमा दें कि कम से कम जो कराची की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पेज पर है, वो इस ऑपरेशन को आपके ख्याल में सपोर्ट कर रही है, या जो मैंने भी बताया नदीम नुसरत साहब कह रहे हैं कि ये तो पाक से जमीन पार्टी के कहने पे रेंजर्स जो है छापे मारती है, हमारे लोगों को पकड़ती है। आई विश कैसा होता, कैसा होता कि कराची की सारी जमातें एक पेज पर होती जब ऑपरेशन, ये अली रजा ठीक कह रहा है कि जब ऑपरेशन इब्तिदा हुआ था तो सबसे बड़ी डिमांड MQM की थी, और ये चाहते ये थे कि पाकिस्तान आर्मी से ऑपरेशन कराया जाए, रेंजर्स से ना कराया जाए। रेंजर्स पे पहले से अदम एतमाद की कुछ
एमक्यूएम की फजा कायम थी, शायद आज भी होगी कुछ रेंजर्स के ऊपर एतमाद। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो बड़ी अप्रिशिएट किए रेंजर्स की एफर्ट को और उन्होंने कहा कि बड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने, बड़ा जबरदस्त काम किया सर। नहीं नहीं, मैं तो अभी अली रजा की बात सुन के इसका जवाब दे रहा हूँ कि जो रेंजर्स की कार्रवाइयाँ हैं उसको एमक्यूएम आज तक ये समझती रही है या मानती रही है कि वो टारगेटेड होती हैं अगेंस्ट एमक्यूएम। ये अली रजा अभी भी यही कह रहा है ना, अपने रेस्टोरेंट का भी यही बता रहा है, दूसरी चीज़ों का भी यही कह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि वो टारगेटेड होती हैं। हमारा ये मानना है कि वो टारगेटेड नहीं होती। तरीका ये है कि जहाँ खबर मिलती है वहाँ से उठाते हैं और एमक्यूएम के अंदर एक अब शायद वो डाई डाउन हो रहा है मामला, लेकिन एमक्यूएम के अंदर बाकायदा एक टेररिस्ट विंग था। एमक्यूएम के अंदर चाहे वो एमक्यूएम के लीडर अब चलाते हों, चाहे वो खुद से क्रिएट हुआ हो, चाहे वो कोई नीचे सेक्टर इंचार्ज या वो फलाना कोई चलाता हो, लेकिन था और इसकी मौजूदगी से कोई भी इनकारी नहीं हो सकता कि ये था मौजूद एमक्यूएम। रॉ से ट्रेंड भी था एमक्यूएम ने, एमक्यूएम की रॉ सेक्रेटेरिएट तभी भी है। नहीं नहीं नहीं, रॉ से भी ट्रेंड था ना, सिर्फ वो ऐसे ही थोड़ी मिलिटेंट विंग, और ऐसा मिलिटेंट विंग जो कि घर बैठा रहता है कुछ करता ही नहीं है। मतलब जब उसके ऊपर रेंजर्स आती है और वो घरों पे छापे पड़ते हैं वहां पे भी, और अच्छा और असला इमरान, असला उसमें कब्रों में दफन किया हुआ होता है या फिर दीवारों के पीछे दफन किया हुआ, तो वो इस्तेमाल भी नहीं करते अपनी मेरी जान अपनी टर्न पे बात कर लेना। असला बेदरेक इस्तेमाल हुआ है कराची में, एमक्यूएम के लोगों ने भी किया है, एमक्यूएम के खिलाफ भी हुआ है। लेकिन आप ये अगर कहें कि जी एमक्यूएम जो है वो फरिश्तों की जमात है, उसमें असला कभी देखा ही नहीं, वो तो गोली बंदूक की सियासत। नहीं नहीं, बिल्कुल देखा, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल देखा, अपने डिफेंस के लिए देखा और डिफेंस के लिए हर एक का हक है, पूरे पाकिस्तान रखता है अपने लिए असला। बात कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे कोई एतराज नहीं है डिफेंस के लिए, लेकिन मैं आपसे डिफेंस के लिए है और डिफेंस के लिए रहेगा। आपके पास आप देखें, आपके पास देखो तो ये तो तड़ी है ना, धमकी लगा रहे हो यार डिफेंस के लिए, डिफेंस नहीं नहीं कैसे क्या अपने आप को निहत्ता करके छोड़ दे, दूसरे तालिबान फिर रहे हैं दुनिया जाके तुम्हारे, जिनको तुम लोग 30 करोड़ रुपए दे रहे हो उनको और पनपने के लिए तुम लोग जिहाद प्रोजेक्ट को आगे कर रहे हो, उनके सामने हम निहत्ते खड़े रहेंगे क्या? बड़ा अहम होता है के अंदर सुकून चाहिए, अगर हमें कराची के अंदर सुकून चाहिए और कराची के अंदर अमन चाहिए तो कराची को डीवेपनाइज करना पड़ेगा। अली रजा अच्छा, पाकिस्तान को डीवेपनाइज करें पहले, फिर उसके बाद कराची को डीवेपनाइज करिएगा, सारा पाकिस्तान यहाँ पे रहता है। एक मिनट इमरान भाई साहब, मुझे एक लम्हा दे जरा, कह रहे मैं उसको ऑफेंस, कायरा साहब हमारे साथ क्योंकि फोन पर है, जरा मैं उनसे भी जवाब ले लूं। कायरा साहब, ये तमाम सियासी जमातों की भी कम से कम अप्रूवल है इस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जिस तरह के बयान आते हैं, और इवन अगर कोई पीपल्स पार्टी के हवाले से हो या कोई सिंध हुकूमती किसी इदारे पे छापा पड़ जाए तो फिर आप लोग भी शोर मचाते हैं कि देखें ऑपरेशन हमारे खिलाफ हो रहा है, पर काटने की आप लोग भी कोशिश करते हैं फिर? देखिए गुजारिश है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो रेंजर्स को वहां पे, फेडरल फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसी को वहां पे तलब किया हुआ है ना कि अपनी सपोर्ट के लिए। हाँ, जब कभी ऐसा होता है कि रेंजर्स किसी थाने पे हमला कर दें, किसी थाने पे जाकर रेड कर दें और वहां के पुलिस सिस्टम को डिस्टर्ब करें जिससे पुलिस का पूरा इदारा फ्रस्ट्रेट हो, वहां पे हम कहते हैं कि ये मत कीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि पुलिस का इदारा जो है वो डिसार्ट होगा। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल एसपी को कहिए इस बंदे को पकड़ के हमें पेश करो, तरीकाकार है ना, तरीकाकार पे हमें एतराज हो सकता है। उसकी गुजारिश ये है, कराची के अंदर हालात 2007 में चीफ जस्टिस साहब तशरीफ ले गए थे इफ्तिखार चौधरी, और वहां पे कोई जितने लोग शहीद हुए थे जी वो आपके इल्म में है, कराची के हालात तो वो थे, उससे पहले भी कत्लेआम हो रहा था, उससे पहले भी कराची में वारदातें थी, टारगेट किलिंग थी, बता था कौन ले रहा था, मैं किसी को एलज नहीं करता, बहुत सारे ग्रुप थे। सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाए जिसके साथ पीपल्स पार्टी का ताल्लुक हो तो पीपल्स पार्टी कहे जी पहले इसके खिलाफ सबूत लाओ, इसको नॉर्मल ट्रायल लेके जाओ, इसके खिलाफ गवाह लेके आओ, प्रोसिक्यूट करो, हमें कोई एतराज नहीं है। एमक्यूएम का हो तो एमक्यूएम कहे जी पहले इसके सबूत दो, बताओ इसने क्या किया है। इसी तरह अगर एएनपी का हो, किसी और ग्रुप का हो, जमात कैसा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा किसी भी प्रोसिक्यूटर के लिए, किसी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के लिए। ये बात दुरुस्त है कि हालात में काफी बेहतरी आई है। हाँ, जहां एमक्यूएम के इलाके में कहीं एमक्यूएम पर जरूरत रहती है तो एमक्यूएम चीख पड़ती है, पीपल्स पार्टी का भी ये अमल रहा। मैं ऐसे भी इनकारी नहीं हूँ कि हमारे यहां भी कुछ लोगों ने इसके गलत इस्तेमाल किए हैं। जी सर, सिर्फ गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमने देखा है कि लियारी गैंग्स भी जो है पाकिस्तान में, बल्कि कराची का मेजर क्राइम में कंट्रीब्यूटर रहे, जिसको सरपरस्ती थी आपकी पार्टी की। मैं इनकार कर ही नहीं रहा जी, तो पहले चले, ये अच्छी बात है। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। हमें सबको टॉलरेट करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जहाँ पे हमारे इदारों से कोई गलती हुई है उनको ठीक करना चाहिए,
ठीक है, जहाँ पे वो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अच्छे काम किए हैं और चीजों को बेहतर किया है, ठीक है, करने की जरूरत। एक ब्रेक लेना, बाद इस इशू पे भी बात करेंगे। ये एमक्यूएम की तरफ से कहा गया था और अभी भी जैसे मैंने कहा जा रहा है कि ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहा है, और इन्हीं शिकायत के हवाले से वफाकी हुकूमत ने भी कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, ग्रीवेंसेस होंगी, जो मसले होंगे उसमें बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ताकि कम से कम मीडिया पे आके या सोशल मीडिया के जरिए इस ऑपरेशन को मुतनाजा ना बनाया जाए। वो कमेटी आज तक नहीं बनी है, जरा इस पर बात हो जाएगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तलाल चौधरी साहब, ये सियासी इत्तफाक राय कम से कम आपको नजर आ रहा है, वफाक को नजर आ रहा है कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें? देखें, ये जो इस वक्त तक ऑपरेशन के नतीजे हैं, इसमें यकीनन क्रेडिट जो है वो तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को भी जाता है कि वो इसमें ऑन बोर्ड थे। एमक्यूएम की शिकायत जो है वो रहती हैं और उनमें से कुछ यकीनन जायज़ हो सकती हैं, और वो सिर्फ कोई रेंजर्स के ख़िलाफ़ नहीं, वो पुलिस के ख़िलाफ़ भी हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी अगर किसी की जायज़ शिकायत हो उनका अजाला होना चाहिए, मगर ऑपरेशन जो है कराची का, ये पाकिस्तान के इमेज के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ और पाकिस्तान में के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अजाला होना चाहिए, और मैंने ये कहा कि इस चीज को कम से कम मीडिया पे आके डिस्कस ना करें, ताकि एक पूरा ऑपरेशन मुतनाजा हो जाता है। बड़ी एमक्यूएम की फॉलोइंग है कराची में, लेकिन अजाला कमेटी तो आप लोगों ने इनसे वादा किया था ना, वो बना दे कमेटी, ताकि कम से कम क्लोज डोर में ये बातें होती रहे, जो इनकी शिकायतें लेके चले जाएंगे वहां पर, लेकिन वो कमेटी बनाने के लिए तैयार नहीं आप लोग, बनती है तो फाल नहीं होती। देखिए, जो भी इसका तरीकाकार, इसका वो ग्रेवेंस कमेटी का अगर बना था या सूबाई हुकूमत के ने देखना था, जो भी तरीकाकार हो, वो एमक्यूएम हो या किसी और की शिकायत, जो जायज शिकायत है वो एड्रेस होनी चाहिए। मगर मैंने आपसे कहा है कि इस ऑपरेशन का चलते रहना, इस ऑपरेशन को कामयाब करना, ये मेरा ख्याल है कि हमें सियासी अपनी पार्टियों का अगर कोई नुकसान भी होता है तो बर्दाश्त करना चाहिए, मगर कराची का अमन जो है वो पाकिस्तान के इमेज के लिए, इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान भर के जो अमन है उसके लिए जुड़ा हुआ है, तो ये हमें हर सूरत हासिल करना चाहिए। लेकिन मैं माजरत के साथ कहूंगा कि एमक्यूएम वाले भाई भी हमारे बड़ी लंबी हुकूमत में रहे हैं, बहुत ही लंबा हुकूमत में रहे हैं, और पाकिस्तान कराची की तारीख में अगर सबसे लंबी हुकूमत की है तो इन्होंने की है, और ये ज्यादातर मसाइल उस वक्त पैदा हुए 2000 से लेकर ये 2013 के दरमियान। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज ये कई बातों पर चीखो पुकार करते हैं तो बहुत सारी बातों में, बहुत सारी जो यहाँ पर इस तरह के माफियाज पैदे हुए हैं, इनका भी कुछ हिस्सा जरूर है उसमें। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, लेकिन एक करेक्शन भी कर दूं, कुछ देर पहले मैंने कहा था ये नदीम नुसरत साहब का ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि चार लोग जो लियाकतबाद से पकड़े गए वो PSP के कहने पर पकड़े गए, वो नदीम नुसरत साहब का नहीं था, वो वासी जलील साहब का दो रोज पुराना ट्वीट था। मैंने कहा यह करेक्शन कर दूं, पहले मैंने इस पर नदीम नुसरत साहब का नाम ले लिया था। इमरान इस्माइल साहब, क्या अब तक ऐसा इस ऑपरेशन में नहीं हो रहा था जो कि आपके ख्याल में कल जो बड़ी बैठक हुई है और आज जो सिंध गवर्नमेंट का इजलास चल रहा है उसके बाद होगा, क्या स्ट्रेटजी में तब्दीली आएगी मजीद? शहजाद, मेरा ख्याल है कि जहां रेंजर्स को हम देखते हैं या दूसरी एजेंसियों को हम देखते हैं कि जहां पर उनकी मजबूरी आती है वो ये आती है कि जब वो किसी को पकड़ते हैं और जब वो पुलिस के हवाले करते हैं तो वो फौरन छूट जाता है, या वो पॉलिटिकल प्रेशर में छूट जाता है, या वो और अपने दूसरे ज़राए इस्तेमाल करके या पैसे लगा के वो किसी तरह छूट जाता है। दो से आज भी हो रहा है, मतलब बंदा फारिग हो जाता है, इधर ये आज भी हो रहा है। अच्छा, और इधर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर रेंजर्स की कस्टडी में अगर कोई रहता है, तो वो इलीगल डिटेंशन है, और अगर उसको यानी अदालत तक ले जाना भी रेंजर्स के इख्तियार में नहीं है, तो या तो एक भरपूर ऑपरेशन ऐसा कि जिसके अंदर कस्टडी भी जो है वो दी जाए उसी ऑपरेशन करने वाले इदारे को, जो कि इसमें अपनी जान जोखिम में डाल के शहर का अमन बहाल करने की कोशिश कर रहा है, या तो आज साफ एक बात कर लें मिलके, कह दें कि जी हमें रेंजर्स की ज़रूरत ही नहीं, अली रज़ा आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, कह दें जी रेंजर्स की ज़रूरत ही नहीं, पुलिस पर आपको भरपूर एतमाद है, आप पुलिस से करवा लें। ये बात पुलिस के इख्तियार से बाहर निकल गई है, कराची का जो मामला है ये पुलिस के इख्तियार से बाहर निकल गया। वो बात तो हमें पता है ना इमरान इस्माइल साहब, पिछले पौने तीन साल का ये जो कराची का ऑपरेशन है जिसमें हम कहते हैं कि बेहतरी भी आई है, वो तो रेंजर्स की निगरानी में ही हो रहा है ना, तो हम कह रहे हैं कि अब मजीद क्या बेहतरी आएगी जिसमें हम ये भी कह सकें कि हाँ इन आसान सॉफ्ट टारगेट्स को भी अब निशाना नहीं बनाया जाएगा।
नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाने नहीं बनाया जाएगा, ऐसा क्या एकदम वो करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारी उम्मीदें अब वाबस्ता हैं इसी ऑपरेशन से कि ऐसा कोई एकदम होगा कि अमन अमान होगा कराची इन जनरल, कराची में मैं वीआईपीज की बात नहीं कर रहा, जनरल लोगों को तहफ्फुज का एहसास जरूर होगा, कम से कम जैसे कराची में पिछले एक साल गुजरा है ना, हमें एक एहसास रहा कि जी तहफ्फुज है, कराची के हालात बेहतर हो गए, लोगों ने अपने कारोबार वसी करने की कोशिश की, कराची में सरमाया लगा, सरमाया बाहर आया, प्रॉपर्टीज महंगी हुई, चीजें कारोबार बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो लोग, आज चौधरी निसार साहब ने भी इसकी निशानदेही की, वो तमाम अच्छा काम जो गेंद है वो भुला देते हैं और फोकस भी उसी पे होता है कि जब अमजद साबरी जैसे शख्स को इस शहर में दिन दहाड़े कत्ल किया जा सकता है तो किसी का नंबर भी आ सकता है। पूरे साल का क्या हुआ जो है वो जीरो हुआ, यानी सिटिंग चीफ जस्टिस का बेटे का अगवा हो जाना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ा सानिया है शायद, और शर्मिंदगी का मकाम है हमारी एजेंसीज और हमारी डिपार्टमेंट्स के लिए जो इस, लेकिन मेरे ख्याल से इसको बैलेंस करके देखना चाहिए, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट भी करें और जो नेगेटिव्स हैं या जो बड़ी कार्रवाई हुई है उस पे फोकस भी करें कि वो भी ना हो, लेकिन जो अच्छे काम को जाया भी नहीं होना चाहिए। एक तो जवाब दें तो लाल साहब कह रहे हैं कि बहुत अरसे जो कराची में गैंग्स डेवलप हुए आपके दौर में, वह आप हुकूमत में रहे शहजाद, उसका मैं इनसे चैलेंज कर लेता हूं कि जी ये रिकॉर्ड निकाल लें कि 2002 से लेके 2008 तक जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं कह सकते लेकिन होम मिनिस्ट्री भी थी, बल्दियात भी थी, तो उस वक्त की टारगेट किलिंग्स कितनी थी, उस वक्त बत्ताखोरी कितनी थी, उस वक्त और क्राइम्स कितने थे, और उसको अपने किसी भी दौर पर पंजाब हुकूमत से या फिर किसी और हुकूमत से कंपेयर कर लें और उसके बाद फिर टीवी पे आके बात करें, ये कह देना बहुत आसान है। उस ज़माने में इनको ज़रूर जूते पड़ रहे थे क्योंकि ये फ़ौज के खिलाफ खड़े हुए थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते थे। कराची का जो ऑपरेशन हुआ 2013 में, रेंजर्स यहाँ पे कोई 1990 से मौजूद है बल्कि 1988 से मौजूद है, अभी उनको स्पेशल पावर्स जो मिली थी वो इसी वजह से मिली थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने डिमांड किया था कि कराची को क्लीन अप किया जाए उस ग्रुप्स के साथ, उस माफिया से जो कि पुलिस की पेट्रनेज में काम कर रहे हैं। ये जो रिसेंट वाकया था साबरी साहब का, उस वक्त भी आपकी जमात ने फौरन कहा कि ये पीएसपी में इनको दावत इन्होंने कोई ऑर्गेनाइज किया था, फंक्शन वो नहीं हुआ इसलिए ये हो गया, इल्जाम आप लोगों पर लगाया, लेकिन जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इस कनेक्शन में, इस केस से कनेक्शन में, चार लियाकतबाद से हुए, सरजान से हुए, वो आपकी जमात सब एमकेएम के वर्कर्स जो है, एसएसपी मलीर राव अनवार साहब ने चार लोग गिरफ्तार किए हैं वो आपकी जमात से, तो ये सारे लोग आप यहां से निकल रहे हैं शहजाद, फिर आप कहते हैं कि ऑपरेशन एमकेएम के खिलाफ नहीं हो रहा है। देखिए पीएसपी आज से 3 महीने से हमारे ऊपर लगातार दिन रात इल्ज़ाम लगा रही है, उस वक्त तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, अभी हमने जो इल्ज़ाम नहीं, हमने ये उस पर जो अगर ट्वीट को दोबारा पढ़ लीजिए, उसमें ये कहा गया कि जी पीएसपी की तरफ से अमजद साबरी साहब को कहा जा रहा था कि उधर ज्वाइन कर लो, वसीम अख्तर भाई ने भी बहुत क्लियरली अपने प्रोग्राम्स में ये कहा, और हमने इसलिए ये बताया था कि एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस तरफ भी लेके जाया जाए ताकि पता चल जाए कि इसमें और क्या एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे हो सकते हैं, वो भी होना चाहिए, फिर जो आपके लोगों को पकड़ा जा रहा है तो पकड़ रहे हैं, वो तो पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ने के बाद फिर उनके कन्फेशनल वीडियो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते, वो जबरदस्ती चलाए जाते हैं, ना उनकी जीआईटीज कभी तक कोर्ट तक पहुंचती है, ना उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स कोर्ट तक पहुंचते हैं, ना इनको सजाएं होती है, ना ट्रायल होता है, ये किस लिए, सिर्फ मीडिया पे एक जुडिशरी बैठी हुई होती है और उसी पर डिसीजन हो रहे हैं। इसमें जो वफाकी नुमाइंदे हमारे पास, क्योंकि तलाल साहब है और तलाल साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी कहा था, चौधरी निसार साहब को कोट करते हुए कहा था कि कम से कम खालिद शमीम की जो कि इस्लामाबाद से वीडियो लीक हुई थी उसका जो है सुराग लगा लिया गया, बहुत जल्दी मंजर आम पर सामने आने वाली है ना तलाल साहब। देखें बिल्कुल, वजीर दाखला ने फ्लोर ऑफ दी हाउस ये तमाम असेंबली को बताया कि वो वीडियो जो कि एक अडियाला जेल से एक मुलजम की रिलीज हुई जहाँ पे कुछ देर रहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, बाकी दो इन्वेस्टिगेशन जो है एक बलूचिस्तान ने करनी है और दो जो है वो सिंध ने करनी है, हम इंशाल्लाह ताला जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये सामने कौम के लेके आएंगे, हम मुंतजर हैं सर उसके, हम मुंतजर हैं लीड बाय एग्जांपल लेकर आए ताकि कम से कम सिंध और बलूचिस्तान को भी एहसास हो कि हम भी जरा इन्वेस्टिगेशन तगड़ी करें और सामने लेकर आए कि किन लोगों ने उन वीडियोज को लीक किया था। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।